सलाम वालेकुम, आप लोग देख रहे हैं एशियन रेसिपी विद बेगम अनारकली। मैं बनाने वाली हूँ आज आप लोगों के लिए भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी आपके दिल को भी स्वस्थ रखती है क्योंकि इसमें पेक्टिन पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। एक हैवी तले का बर्तन लेंगे और उसमें तेल डालेंगे हम। ये कढ़ाई ली है मैंने, तो तेल गर्म हो जाएगा तो जीरा डालेंगे और तीन हमने प्याज ले लिए हैं बड़े साइज़ के। इसे काट के धीमी धीमी आंच में पकाएंगे, लेकिन प्याज को ब्राउन नहीं करना है और प्याज लेकिन पका लेना है। ये प्याज हमारा पक गया है, इसमें हम कटी हुई भिंडी एक किलो हमने लिए डालेंगे। तीन बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, तीन हरी मिर्च ली है, सभी को काट के डालेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। ये कटे हुए लहसुन है 5-6 कली, ज़रा सा हींग है, लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक मिलाइए और सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए धीमी धीमी आंच पे पकाएंगे। ये हमने सिरका डाला है, थोड़ा सा सिरका डाल लें या एक नींबू का रस निचोड़ के डाल लें, इससे स्वाद और बढ़ जाता है। और ये डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसमें योगेनॉल पाया जाता है जो शर्करा को, शुगर को कम करता है और अच्छी मात्रा में इसमें आयरन भी पाया जाता है। जिन लोग को पथरी की समस्या है वो लोग भिंडी का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें क्योंकि ये नुकसानदायक होता है, पथरी को मजबूत कर देता है, हार्ड कर देता है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।